हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 11 से क्लास 10 की बुक है आरएस अग्रवाल की मैथ्स की। यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स कॉट थीटा माइनस वन अपॉन में कॉट थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री अपॉन में वन प्लस रूट थ्री। ये गिवन है, हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी होने वाली है ये वीडियो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिनको हम अपलोड करेंगे चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा माइनस वन इंटू में वन प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस वन इंटू में वन माइनस रूट थ्री। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन प्लस रूट थ्री से, क्या मिलेगा, कॉट थीटा प्लस रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन माइनस रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, सबसे पहले कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा वन माइनस रूट थ्री से, देन हमें मिलेगा कॉट थीटा माइनस रूट थ्री कॉट थीटा, प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे टर्म से, क्या मिलेगा, प्लस वन माइनस रूट थ्री। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं। इसके बाद से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कॉट थीटा दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का रूट थ्री दोनों साइड में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से प्लस रूट थ्री कॉट थीटा, इसके बाद माइनस रूट थ्री कॉट थीटा, इसको हम एक साइड कर लेते हैं, क्या मिलेगा, रूट थ्री कॉट थीटा है, और ये जो माइनस का है राइट हैंड साइड में लेफ्ट में आके ये भी प्लस का हो जाएगा, ऐड हो गया। इसके बाद से ये प्लस वन और माइनस का वन जो कि लेफ्ट में राइट में आके ये भी प्लस में हो जाएगा, ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, टू रूट थ्री कॉट थीटा इज इक्वल टू टू। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स टू बोथ साइड में है, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हो गया यहाँ पे वन, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट थ्री, जो कि इक्वल है किसके, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 61 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू होता है कॉट 60 का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट 60 इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, उसके बाद से इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक जो मैथमेटिक्स रूल है उनका यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप और भी नए वीडियोज़ इस तरह से देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।